दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, या आपके परिवार में किसी को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है और आप इसके 17वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब फाइनली इसका जो डेडलाइन है वो आ चुका है कि ये जो 17वीं किस्त है वो कब जारी किया जाएगा। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बात करूंगा, बताऊंगा कि कब ये राशि आपके खाते में आएंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिए और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बगल में आप नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर ट्वीट कर जानकारी दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 17वीं किस्त का हस्तांतरण है वो 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के बनारसी जिले से किया जाएगा। मतलब उस दिन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी के जो पैसा भेजने की प्रक्रिया है वो पूरी करेगी। ये राशि डायरेक्ट आपको DBT के माध्यम से आपके खाते में चली जाएगी। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपका आधार से जो खाता है वो सीडिंग होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर अभी तक सीडिंग नहीं है तो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, नहीं है तो कैसे सीडिंग करवाना है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इस बार जो राशि मिल रही है इसमें करीब जो है 9.3 करोड़ किसान भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपये की राशि इस बार जारी किया जा रहा है। अब आप सभी को एक और काम कर लेना है कि आप सभी को पीएम किसान के वेबसाइट पर आना है और जब राशि जारी हो जाती है तो यहाँ पर डेट देखेंगे। अभी 16वीं किस्त का डेट दिखा रहा है कि 28 फरवरी को दिया गया था। जैसे ही 17वीं किस्त भी जारी हो जाएगी तो इसका डेट भी आपको मिल जाएगा। यहीं पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है नो योर स्टेटस का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपसे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता है तो ऊपर में यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस पर क्लिक कर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर के थ्रू। तो जैसे भी हो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से फाइंड कर क्या करेंगे कि अपना डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, उस रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा कोड को डालकर गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी जो डिटेल है पर्सनल डिटेल मिलता है। यहाँ पर मुख्य रूप से देखना है कि आपकी जो इलिजिबिलिटी स्टेटस है ये तीनों आपका यस होना चाहिए, जैसे लैंड सीडिंग, उसके अलावा आधार सीडिंग और EKYC, ये तीनों यस है तो इसका मतलब है कि आपकी राशि मिलनी तय है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको वेट करना है 18 जून को, फिर आपके खाते में आपकी राशि मिल जाएगी। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आओ तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए आप हमें आवाज़ से फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर और व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हर अपडेट वहाँ मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।